शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिता मामात प्रदेशु प्रदेश विशंतो अभयसुका। अर्थात अहंकार, बल, कामना, क्रोध, घमंड, दूसरों की निंदा, जिनमें ये छह दुर्गुण होते हैं, वो ईश्वर को कभी नहीं देख पाते और ना ही उनकी लीला समझ पाते हैं। जब तक आप में ये छह दुर्गुण हैं, तब तक मैं तो क्या, महादेव भी आपको नहीं समझा सकते। अब तो केवल प्रभु कान्हा ही आपको समझा सकते हैं। अब तो केवल प्रभु कान्हा ही आपको धर्म के मार्ग पर ला सकते हैं। इसलिए अब मुझे आज्ञा दीजिए देवराज। नारायण नारायण। वरुण देव, अग्निदेव, अब पल की नहीं अपितु छल की नीति चलानी होगी कान्हा के साथ। ऋषि गौतम को दंडित करने हेतु मैंने जो कार्य किया था, अब आप दोनों को भी वही कार्य करना होगा। काना, मैंने सभी क्रियों को मेरु पर्वत से नीचे डाल दिया है। काना, पर मातली कहाँ है? अब उसे दंड देना शेष है। ताऊ, अब उन्हें दंड देने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अब उन्हें धर्म का दंड और धर्म का फल पहले ही प्राप्त हो चुका है। अब और कुछ मत सोचिए ताऊ, हमें शीघ्र अति शीघ्र ब्रजमंडल पहुँचना होगा। सभी लोग हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। चलो काना। प्रभु, आपकी हर लीला के पीछे कोई न कोई उद्देश्य अवश्य होता है, तो इंद्रदेव जो छल करने जा रहे थे, उसके पीछे क्या कारण था प्रभु? ऋषिवर, इंद्रदेव के छल के कारण संसार में संकटहारी मंत्र ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः की स्थापना हुई थी। परंतु इंद्रदेव के उस छल से पूर्व संपूर्ण ब्रजमंडल गायों का संकट समाप्त हो जाने के कारण हर्षित था, और कान्हा के सखा कान्हा के गोविंद नाम की जय जयकार करते हुए कान्हा के घर पहुंचे। गोविंद कृष्ण की जय। लल्ला, लल्ला तुम ठीक हो ना? बाबा, सभी गायों सुरक्षित अपने अपने घरों को लौट चुकी हैं। अब उन पर कोई संकट नहीं आएगा। पर लल्ला, सभी तुम्हें गोविंद कहकर क्यों पुकार रहे हैं? ताकि गोविंद अर्थात गायों के इंद्र। कान्हा ने गायों की रक्षा की है ना, इसलिए अब कान्हा का एक नाम गोविंद भी होगा। गोविंद, एक और नाम कान्हा। कान्हा कृष्ण गोपाल, क्या ये नाम कम थे जो तुमने अपना एक और नाम रख लिया? राधा, मुझे कोई कान्हा कहे या नंदलाल कहे, यशोदा नंदन कहे या गोविंद कहे, पर तुम्हारे लिए तो मैं तुम्हारा गोपाल ही हूँ ना। तब ठीक है। ब्रिजवासियों, अब सारा संकट टल चुका है, और सबसे खुशी की बात यह है कि कल से फाल्गुन माह आरंभ हो रहा है, और हर फाल्गुन की पूर्णिमा को संसार में होली मनाई जाती है। इसलिए इस बार भी हम पूरे ब्रिजमंडल में धूमधाम से होली मनाएंगे। काना, तब तो बड़ा आनंद आने वाला है। हाँ बच्चों, पर आनंद और उल्लास में हमें त्योहार का विधान और अपना उत्तरदायित्व नहीं भूलना चाहिए। बाबा, क्या विधान है होली का? होली से पूर्व होलिका दहन होता है, और होलिका दहन के लिए फाल्गुन मास की प्रथम तिथि को ही उपला अग्नि की स्थापना करनी होती है। ये उपला अग्नि क्या होती है बाबा? उपला अग्नि क्या होती है बाबा? जिस स्थान पर होलिका दहन होने वाला होता है,
वह सर्वप्रथम उपला प्रज्वलित करते हैं और उस अग्नि को फाल्गुन मास की प्रथम तिथि से पूर्णिमा तक जीवित रखा जाता है और फिर उसी अग्नि से होलिका दहन होता है। और ये कार्य ब्रह्म मुहूर्त में यमुना में स्नान करने के पश्चात होता है, इसलिए कल ब्रह्म मुहूर्त में यमुना स्नान के लिए मैं जाऊंगा। चलो यशोदा, अभी और भी बहुत तैयारी करनी है। चलिए। प्रणाम। राधा, इस बार हम तुम्हें ऐसे रंग में रंगेंगे कि तुम स्वयं को भी नहीं पहचान पाओगी। हम तो गौर वर्ण हैं, हम पर तो सारे रंग खिल उठेंगे, पर तुम तो अपनी चिंता करो, क्योंकि तुम्हारा रंग तो श्याम है, इसलिए तुम्हें हमसे अधिक रंगों की आवश्यकता पड़ेगी सांवले। क्यों सखियों? यशोदा, तुम्हारे मुख पर ये चिंता की लकीरें कैसी? अब तो खुशियों का पर्व होली प्रारंभ होने वाला है। नंजी, अवश्य हमारी गैया सुरक्षित है, यदि इंद्रदेव ने अपनी हट नहीं त्यागी तो मुझे भय है कि कहीं। यशोदा, चिंता भय इन सबको भुलाने के लिए तो त्योहार आते हैं, इसलिए मेरी बात मानो, तुम अपनी सभी चिंताओं को होलिका दहन की अग्नि में विसर्जित कर देना और कल प्रसन्न मन से उपला अग्नि की स्थापना की तैयारी करना, क्योंकि कल ब्रह्म मुहूर्त में मुझे भी यमुना स्नान के लिए जाना होगा। एक बार फिर से सोच लीजिए अग्निदेव जी, इस मध्य रात्रि में हम लोगों को ये काम करना उचित है कि नहीं, क्या ये धर्म संगत है कि नहीं? वरुण देव, उचित हो या अनुचित, पर हमें इंद्रदेव की आज्ञा का पालन तो करना ही होगा, क्योंकि हम सभी देव इंद्रदेव की आज्ञा के अधीन हैं। नारायण नमो नमः। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भोर हो गया है। यशोदा, ब्रह्म मुहूर्त का समय हो चुका है, उठो यशोदा। पर नंजी, अभी तो अर्धरात्रि सा अंधेरा है। यशोदा, सुन रही हो ना ये शंख ध्वनि? निश्चित ही भोर होने वाली है, तभी लोगों ने पूजा पाठ भी आरंभ कर दिया। यशोदा, मैं यमुना स्नान करके आता हूँ, फिर मुझे अग्नि स्थापना के लिए भी जाना होगा। ठीक है, आप जाइए, मैं तब तक सारी तैयारियां करके रखती हूँ। ठीक है। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है जैसे कुछ अशुभ घटने वाला है? दुनिया की नजरों से परे तुलसी के बनने सारथी आ रहे हैं तुलसी धाम के लड्डू गोपाल, सिर्फ शिमालू टीवी पर।